साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ हेल्थ के लिए एक बेहतरीन प्रोडक्ट पोर्टेबल हाइड्रोजन रिच वाटर जनरेशन टम्बलर। ये टम्बलर हाइड्रोजन रिच वाटर प्रोड्यूस करेगा और पानी का ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ओआरपी करेगा। हाइड्रोजन वाटर हमारी सेहत के लिए खूब फायदेमंद है। इस टम्बलर में प्लेटिनम कोटेड टिटेनियम प्लेट के द्वारा प्रक्रिया होती है और हाइड्रोजन पानी में प्रोड्यूस होता है। इसमें एसपी टेक्नोलॉजी मतलब सॉलिड पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। हम देखेंगे इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करेंगे, हाउ टू यूज। ये हाइड्रोजन टम्बलर का बॉक्स हम ओपन करेंगे। ये हाइड्रोजन टम्बलर है और इसका रिचार्ज करने के लिए केबल दिया गया है। केबल के ए एंड टम्बलर के इस पॉट में लगेगा और दूसरा यूएसबी पॉट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के प्लग में लगेगा और इसके द्वारा हम ए टम्बलर को रिचार्ज कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन बॉटल के बॉटम को हम ओपन करेंगे और इसके अंदर जो ब्लैक कलर की एंड कैप लगी हुई है उसको पहले हम रिमूव करेंगे और फिर से हम बोतल को लगा देंगे। अभी जब डिस्चार्ज हो जाएगी बैटरी तो ब्लू कलर का लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी तो हमको रिचार्ज के लिए रखना है, तो हम फिर से रिचार्ज करेंगे बैटरी को। रिचार्ज जब करेंगे तो बॉटम के अंदर रेड लाइट दिखेगी। जब ये पूरा चार्जिंग हो जाएगा टम्बलर का तब हमको ग्रीन लाइट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि चार्जिंग कंप्लीट हो गया। बॉटम के पार्ट में एक पुश स्विच दिया गया है, इसे हम एक बार पुश करेंगे तो पानी में हाइड्रोजन जनरेशन शुरू हो जाएगा जो 3 मिनट के बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। टम्बलर के पुश स्विच को 2 बार पुश करेंगे तो 10 मिनट के लिए हाइड्रोजन जनरेशन होगा, इसके बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बेहतरीन परिणाम के लिए ये पानी को तुरंत पीना है। ये हाइड्रोजन टम्बलर को दूसरी तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। टम्बलर के बॉटम वाले अटैचमेंट में हम ड्रिंकिंग वाटर बॉटल लगा सकते हैं। जैसे ही हम पुश स्विच करेंगे बॉटम के अंदर तो हाइड्रोजन जनरेशन शुरू हो गया। ये हाइड्रोजन टम्बलर से हम हाइड्रोजन वायु इनहेल कर सकते हैं। ये कैप ऑप्शनल है, इसे टम्बलर में लगाना है। एक साथ में एयर पाइप होगी और एयर पाइप के इस एंड को टम्बलर के कैप में लगाना है। पाइप के दूसरे एंड को नोज में लगाना है और हाइड्रोजन टम्बलर 10 मिनट्स हाइड्रोजन जनरेशन स्विच के मोड पे रखना है और पानी का लेवल करीबन 75% रखना है। जरूरत पर आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। फुल चार्ज होने के बाद हम 60 टाइम्स हाइड्रोजन जनरेशन कर सकते हैं और उसके बाद अगेन बैटरी को रिचार्ज करने के लिए रखना है। अब हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और प्यूरिफाइड वाटर और आरओ ट्रीटमेंट वाटर का टेस्ट और हाइड्रोजन वाटर का टेस्ट का तुलना करेंगे। यह है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर।
यह है हाइड्रोजन मीटर, यह हाइड्रोजन 0 पीपीबी दिखा रहा है, और ए है ओआरपी मीटर। जो प्लस 360 के पास एबो करीबन 400 के आसपास दिखा रहा है। अब हम हाइड्रोजन वाटर का टेस्टिंग करेंगे। यह हाइड्रोजन मीटर है और ये करीबन 1070 के ऊपर हाइड्रोजन दिखा रहा है, 1091 और करीबन 1100 पीपीबी हाइड्रोजन दिखा रहा है, और जो ओआरपी प्लस में था वो माइनस 500 से नीचे जा रहा है। टम्बलर की पुश स्विच को कुछ समय के लिए आप पुश करके रखेंगे तो ग्रीन लाइट होगी, मतलब क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 3 मिनट के बाद ये प्रोसेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। अब जो पानी है वो पीने लायक नहीं है, उसको निकाल देना है और फिर से प्यूरिफाइड वाटर डाल के उसको अगेन एक बार क्लीन करना है। और ए टम्बलर अभी क्लीन हो गया और फिर से शुरू करने के लिए ए टम्बलर अभी रेडी है। तो हफ्ते में आपको एक बार एक क्लीनिंग प्रोसेस जरूर करना है। एंजॉय द हेल्दी।